नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कर्मवीर ICS में। यहाँ पर मैं मधु पूरी इंडियन पॉलिटी को MCQ वाइज कवर करा रही हूँ। आज का लेक्चर नंबर 46 है, जो कि पेस्ट है द पार्लियामेंट में। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर इंडियन पॉलिटी आपके सिलेबस में है तो ये पूरी की पूरी प्लेलिस्ट आप सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस पूरी की पूरी प्लेलिस्ट को कम से कम 3 से 4 बार जरूर देखें, जिससे कि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में पॉलिटी के क्वेश्चंस को सॉल्व करने बैठे हैं तो आपके लिए काफ़ी इजी हो और आप अच्छे से सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएं। पॉलिटी काफ़ी स्कोरिंग सब्जेक्ट है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप रेगुलर क्वेश्चंस का अभ्यास करते रहें, और क्वेश्चंस को अभ्यास करने के लिए ही ये पूरी की पूरी प्लेलिस्ट आप सभी के लिए बनाई जा रही है। 100% अटेम्प्ट करने के लिए इस पूरी प्लेलिस्ट को आप सभी लोग जरूर देखें। तो पढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द पार्लियामेंट कैन मेक लॉ ऑन स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट फॉर गिविंग इफेक्ट टू इंटरनेशनल एग्रीमेंट। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने के लिए राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? आपके ऑप्शन हैं ए आर्टिकल 252, बी आर्टिकल 249, सी आर्टिकल 250, डी आर्टिकल 253। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आर्टिकल 253। आर्टिकल 253 जो होता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, वो एम्पावर करता है पार्लियामेंट को कि वो कोई भी लॉ बना सकता है स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पे। तो ये आर्टिकल आप लोग याद रखेगा, आर्टिकल 253। फर्स्ट का आंसर होगा ऑप्शन डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, Who can legislate on the subject which are not included in any of the list of subjects given in the constitution? उन विषयों पर कौन कानून बना सकता है जो संविधान में दी गई विषयों की किसी भी सूची में शामिल नहीं है? आपके ऑप्शन हैं ए सुप्रीम कोर्ट, बी पार्लियामेंट, सी स्टेट लेजिस्लेचर, डी रीजनल काउंसिल। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी पार्लियामेंट। आर्टिकल 248 के जरिए जो होता है कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो पार्लियामेंट को ये पावर देता है कि वो अगर कोई सब्जेक्ट उनके लिस्ट में नहीं शामिल है तो वो भी उस विषय पर अपने कानून बना सकता है। तो दूसरा क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी पार्लियामेंट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपके ऑप्शन हैं ए ऑल द मेंबर्स ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स आर इलेक्टेड बाय स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। राज्यों की परिषद के सभी सदस्य राज्य विधानसभाओं द्वारा चुने जाते हैं। बी एज द वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, ओनली अ मेंबर ऑफ द राज्यसभा कैन कंटेस्ट फॉर द ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। क्योंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, इसलिए केवल राज्यसभा का सदस्य ही उपराष्ट्रपति पद के लिए ही चुनाव लड़ सकता है। सी अ पॉइंट डिफरेंस बिटवीन द लोकसभा एंड द राज्यसभा इज दैट व्हाइल अ कैंडिडेट टू लोकसभा कैन कंटेस्ट फ्रॉम एनी स्टेट इन इंडिया, अ कैंडिडेट टू द राज्यसभा शुड ऑर्डिनली बी अ रेजिडेंस ऑफ द स्टेट फ्रॉम वेयर ही इज कंटेस्टिंग इज नॉट मैंडेटरी। लोकसभा और राज्यसभा के बीच एक अंतर यह है कि जहां लोकसभा का उम्मीदवार भारत के किसी भी राज्य से चुनाव लड़ सकता है, वही राज्यसभा के लिए उम्मीदवारों को आमतौर पर उस राज्य का निवासी होना चाहिए जहां से वो चुनाव लड़ रहा है, यह अनिवार्य नहीं है। डी द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक्सप्लिसिटली प्रोहिबिट द अपॉइंटमेंट ऑफ अ नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ द राज्यसभा टू द पोस्ट ऑफ मिनिस्टर। भारत का संविधान स्पष्ट रूप से राज्यसभा के मनोनीत सदस्य की मंत्री पद पर नियुक्ति पर रोक लगाता है। तो आपको इन चारों स्टेटमेंट में से ये बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो जो तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि अ पॉइंट डिफरेंस बिटवीन द लोकसभा एंड द राज्यसभा इज द वाइल अ कैंडिडेट टू द लोकसभा कैन कंटेस्ट फ्रॉम एनी स्टेट इन इंडिया, अ कैंडिडेट टू द राज्यसभा शुड ऑर्डिनली बी अ रेजिडेंस ऑफ द स्टेट फ्रॉम वेयर ही इज कंटेस्टिंग इज नॉट मैंडेटरी। देखो, पहले क्या होता था कि जब 1951 में अमेंडमेंट हुआ था पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट में, 2003 में, उससे पहले क्या होता, जो राज्यसभा का सदस्य चुना जाता है वो सेम उसी राज्य से बिलोंग करना चाहिए जहां से वो उसके लिए कंटेस्ट लड़ रहा है।
लेकिन जो लोकसभा का सदस्य चुना जाता था वो ऑल ओवर इंडिया से कहीं से भी हो वो कंटेस्ट लड़ सकता है। लेकिन 2003 में 91 अमेंडमेंट के थ्रू इसे हटा दिया गया कि चाहे लोकसभा का सदस्य चुनना हो चाहे वो राज्यसभा का सदस्य चुनना हो, वो ऑल ओवर इंडिया से कहीं भी कंटेस्टेड हो उसको चुना जा सकता है। तो इस तरीके से जो सी स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, तो सी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीजर विल इनेबल द एडॉप्शन ऑफ अ मनी बिल दैट वॉज वंस पास्ड बाय द लोकसभा बट वॉज अमेंडेड बाय द राज्यसभा। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया उस धन विधेयक को अपनाने में सक्षम बनाएगी जो एक बार लोकसभा द्वारा पारित कर दिया गया था लेकिन राज्यसभा द्वारा संशोधित किया गया था। आपके ऑप्शन हैं ए, इट विल गो टू द प्रेजिडेंट, यह राष्ट्रपति के पास जाएगा। बी, द लोकसभा विल हैव टू पास इट विद 2/3 मेजोरिटी ऑफ द मेंबर सिटिंग एंड वोटिंग। लोकसभा को इसे बैठने और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित करना होगा। सी, अ जॉइंट सेशन ऑफ द टू हाउसेस विल बी कॉल्ड, दोनों सदनों का संयुक्त सत्र बुलाया जाएगा। डी, इट विल बी डीम्ड टू हैव बीन पास्ड इफ द लोकसभा पास इट अगेन आइदर बाय एक्सेप्टिंग और रिजेक्टिंग द अमेंडमेंट। यदि लोकसभा संशोधनों को स्वीकार या अस्वीकार करके इसे फिर से पारित कर देती है तो इसे पारित माना जाएगा। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सी प्रक्रिया है कि उस धन विधेयक को अपनाने में सक्षम बनाएगी जो एक बार लोकसभा द्वारा पारित कर दिया गया था लेकिन राज्यसभा द्वारा संशोधित किया गया था। तो चौथे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, जो ऑप्शन डी बता रहा है कि इट विल बी डीम्ड टू हैव बीन पास्ड इफ द लोकसभा पासेस इट अगेन आइदर बाय एक्सेप्टिंग और रिजेक्टिंग द अमेंडमेंट, तो चाहे राज्यसभा उसमें अमेंडमेंट कर रही है या कुछ संशोधन के लिए बोल रही है, जरूरी नहीं कि लोकसभा उसके अमेंडमेंट या संशोधन को माने। अगर एक बार ने लोकसभा में अगर एक बार मनी बिल पास हो गया तो उसे पास ही माना जाता है। इसलिए इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। असर्शन ए, रिकमेंडेशन ऑफ द राज्यसभा आफ्टर अ मनी बिल इज पास्ड बाय द लोकसभा एंड ट्रांसमिटेड टू द राज्यसभा हैव टू बी एक्सेप्टेड बाय द लोकसभा विद इन 14 डेज फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ रिकमेंडेशन एंड देन गेट देम इनकॉर्पोरेटेड इन द बिल। रीजन, मनी बिल कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस इन द राज्यसभा। सेलेक्ट द आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दावा ए, धन विधेयक के लोकसभा द्वारा पारित होने और राज्यसभा में प्रेषित होने के बाद राज्यसभा की सिफारिशों को प्राप्ति के 14 दिनों के भीतर लोकसभा द्वारा स्वीकार किया जाना चाहिए सिफारिशें और फिर उसने विधेयक में शामिल कर लेने चाहिए। कारण, धन विधेयक राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता। तो नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का आपको चुनाव करना है। तो पांचवें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा बताइए? पांचवें क्वेश्चन का आंसर देखिए, जो पहला स्टेटमेंट कह रहा है असर्शन, रिकमेंडेशन ऑफ द राज्यसभा आफ्टर अ मनी बिल इज पास्ड बाय द लोकसभा एंड ट्रांसमिटेड टू द राज्यसभा हैव टू बी एक्सेप्टेड बाय द लोकसभा विद इन 14 डेज फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ रिकमेंडेशन एंड देन गेट देम इनकॉर्पोरेटेड इनटू द बिल। तो देखो, जो मनी बिल होता है उसको इंट्रोड्यूस सिर्फ लोकसभा में किया जाता है और लोकसभा जरूर नहीं कि जो राज्यसभा रिकमेंडेशन दे उसको माने। इसमें क्या, रिकमेंडेशन ऑफ द राज्यसभा आफ्टर अ मनी बिल इज पास्ड बाय द लोकसभा की वो ये कह रहा है कि 14 दिनों के अंतराल पर जो रिकमेंडेशन राज्यसभा ने दिया है उसको माने, तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो जा रहा है क्योंकि राज्यसभा का मनी बिल से कोई भी लेना देना नहीं होता, चाहे वो पास करें या फेल करें या उसमें कोई भी संशोधन करें। रीजन क्या कह रहा है कि मनी बिल कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस इन द राज्यसभा, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो पहला स्टेटमेंट गलत है और दूसरा सही है। तो इस तरीके से ऑप्शन डी देखिए, ए इज फॉल बस बट आर इज ट्रू, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, द स्पीकर कैन आस्क अ मेंबर ऑफ द हाउस टू स्टॉप स्पीकिंग एंड लेट अनदर मेंबर स्पीक, दिस फिनोमेना इज नोन एज। अध्यक्ष सदन के किसी सदस्य को बोलना बंद करने के लिए कह सकता है और दूसरे सदस्य को बोलने दे सकता है, इस घटना को किस नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शन हैं ए, डेकोरम, बी, क्रॉसिंग द फ्लोर, सी, इंटरपेलेशन, डी, यील्डिंग द फ्लोर। तो छठे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, यील्डिंग द फ्लोर, डी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 7, 0 आवर इज द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ विच कंट्री टू द पार्लियामेंट सिस्टम। शून्यकाल संसदीय प्रणाली में किस देश का योगदान है? आपके ऑप्शन है ए इंडिया, बी अमेरिका, सी ब्रिटेन, डी स्विट्जरलैंड। तो 7वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इंडिया। इंडिया ने ही 0 आवर की प्रोसीडिंग स्टार्ट की थी, तो ये क्या है, भारत ने ही इसे पार्लियामेंट्री सिस्टम में एड ऑन किया था, तो ए इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, 0 आवर इन द वर्किंग ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट मीन्स। भारतीय संसद की कार्य प्रणाली में शून्यकाल का क्या अर्थ है? आपके ऑप्शन है ए द फर्स्ट आवर ऑफ द सेशन, सत्र का पहला घंटा, बी व्हेन प्रिविलेज मोशन आर एक्सेप्टेड, जब विशेषाधिकार प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है, सी आवर बिफोर क्वेश्चन आवर, प्रश्नकाल से एक घंटा पहले, डी द टाइम इमीडिएटली फॉलोइंग द क्वेश्चन आवर, प्रश्नकाल के ठीक बाद का समय। तो 8वें का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी द टाइम इमीडिएटली फॉलोड बाय द क्वेश्चन आवर, इसको ही 0 आवर कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, वट कुड बी द मैक्सिमम टाइम लिमिट टू 0 आवर इन द लोकसभा। लोकसभा में शून्यकाल की अधिकतम समय सीमा क्या हो सकती है? आपके ऑप्शन है ए 30 मिनट, बी 1 आवर, सी इनडेफिनेट पीरियड, डी 2 आवर्स। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 1 आवर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, टाइम ऑफ 0 आवर इन पार्लियामेंट इज। संसद में शून्यकाल का समय है। आपके ऑप्शन से ए 9 AM to 10 AM, बी 10 AM to 11 AM, सी 11 AM to 12 noon, डी 12 noon to 1 PM। 10वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 12 noon to 1 PM। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, 0 आवर इज पॉलिटिकल जार्गन रेफर टू। राजनीतिक शब्दजाल में शून्यकाल का तात्पर्य है। आपके ऑप्शन है ए डे व्हेन नो बिजनेस इन पार्लियामेंट इज डन, वह दिन जब संसद में कोई कामकाज नहीं होता, बी सस्पेंडेड मोशन निलंबित गति, सी एडजॉर्न टाइम स्थगित समय, डी क्वेश्चन आंसर सेशन प्रश्न उत्तर का सत्र। 11वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी क्वेश्चन आंसर सेशन, जो 0 आवर होता है उसमें क्वेश्चन आंसर का सेशन लिया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, अंडर रूल 377 ऑफ रूल्स एंड प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन लोकसभा, द मैक्सिमम नंबर ऑफ मैटर्स दैट कैन बी रेज्ड बाय लोकसभा मेंबर्स इन वन डे आर। लोकसभा में नियम और प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 377 के तहत लोकसभा सदस्यों द्वारा एक दिन में उठाए जा सकने वाले मामलों की अधिकतम संख्या क्या है? आपके ऑप्शन है ए 19, बी 30, सी 21, डी 22। बताइए 12वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 30। 30 मामलों को एक दिन में उठाया जा सकता है। पहले जो 2015 से पहले 20 मामले थे, लेकिन 2015 के बाद से जो रूल ऑफ प्रोसीजर ऑफ कंडक्ट था उसमें चेंज करके 20 से 30 कर दिया गया था, तो अब 30 मामलों को एक दिन में उठाया जा सकता है। बी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, द पार्लियामेंट कैन मेक एनी लॉ फॉर होल और एनी पार्ट ऑफ इंडिया फॉर इम्प्लीमेंटिंग इंटरनेशनल ट्रीटीज। संसद अंतर्राष्ट्रीय संधियों को लागू करने के लिए संपूर्ण भारत या उसके किसी भाग के लिए कोई कानून बना सकता है कब? आपके ऑप्शन है ए विद द कंसेंट ऑफ ऑल द स्टेट, बी विद द कंसेंट ऑफ द मेजोरिटी ऑफ स्टेट, सी विद द कंसेंट ऑफ द स्टेट कंसर्न, डी विदाउट द कंसेंट ऑफ एनी स्टेट। तो अगर इंटरनेशनल ट्रीटीज के बारे में अगर कानून बनाना हो तो पार्लियामेंट कैसे लॉ बनाती है, ये आपको बताना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी विदाउट द कंसेंट ऑफ एनी स्टेट। ठीक है, और ये किस आर्टिकल में दिया गया है ये पावर? कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 253 में ये पावर दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन को, कि बिना किसी राज्य के सहमति के भी अगर जरूरी है तो इंटरनेशनल ट्रीटीज के लिए वो लॉ बना सकता है। डी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द पार्लियामेंट कैन मेक लॉ ऑन स्टेट सब्जेक्ट फॉर गिविंग इफेक्ट टू इंटरनेशनल एग्रीमेंट।
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने के लिए राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? आपके ऑप्शन हैं ए आर्टिकल 249, बी आर्टिकल 250, सी आर्टिकल 252, डी आर्टिकल 253। तो 14वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आर्टिकल 253। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपके ऑप्शन हैं ए मनी बिल बी इंट्रोड्यूस्ड इन द राज्यसभा, राज्यसभा में एक धन विधेयक पेश किया जाता है। बी अ मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन आइदर हाउस ऑफ द टू हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, धन विधेयक संसद के दोनों सदनों में से किसी एक में पेश किया जा सकता है। सी अ मनी बिल कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड इन द लोकसभा, धन विधेयक लोकसभा में पेश नहीं किया जा सकता। डी अ मनी बिल इंट्रोड्यूस्ड इन द लोकसभा, लोकसभा में ही धन विधेयक को पेश किया जा सकता है। तो 15वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी अ मनी बिल इज इंट्रोड्यूस्ड इन द लोकसभा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, अ मनी बिल पास्ड बाय लोकसभा इज डीम्ड टू हैव बीन पास्ड बाय राज्यसभा ऑल्सो व्हेन नो एक्शन इज टेकन बाय द राज्यसभा विद इन। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को राज्यसभा द्वारा भी पारित माना जाता है जब राज्यसभा द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। तो कितने दिनों तक? आपके ऑप्शन है ए 10 डेज, बी 14 डेज, सी 15 डेज, डी 16 डेज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 16वें का? ऑप्शन बी 14 डेज। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, इफ अ मनी बिल इज एक्सेप्टेड इन लोकसभा, राज्यसभा कैन विदहोल्ड इट मैक्सिमम अप टू। यदि कोई धन विधेयक लोकसभा में स्वीकार कर लिया जाता है तो राज्यसभा उसे अधिकतम सीमा तक रोक सकती है। आपके ऑप्शन है ए 6 मंथ, बी 4 मंथ, सी 1 मंथ, डी 14 डेज। तो 17वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 14 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, राज्यसभा कैन डिले द फाइनेंस बिल सेंट फॉर इट्स कंसिडरेशन बाय लोकसभा फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ। लोकसभा द्वारा विचार हेतु भेजे गए वित्त विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने समय तक विलंबित कर सकता है? आपके ऑप्शन हैं ए 1 मंथ, बी 1 ईयर, सी 7 डेज, डी 14 डेज। तो 18वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 14 डेज। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, इन हाउ मेनी डेज राज्यसभा हैज टू रिटर्न मनी बिल टू लोकसभा। कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है और कई अलग अलग तरीके से पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग देंगे मुझे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपके ऑप्शन से ए मनी बिल इज इंट्रोड्यूस्ड इन राज्यसभा, बी मनी बिल इज इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा, सी इट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, डी इट कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड इन राज्यसभा। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। 20वें का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी मनी बिल इज इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा। ये आप लोग याद रखेगा कि मनी बिल हमेशा लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस्ड होता है, तो बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग बिल कैन नॉट बी फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन राज्यसभा। निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक सबसे पहले राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता? आपके ऑप्शन है ए ऑर्डिनरी बिल, बी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, सी स्टेट रिओर्गनाइजेशन बिल, डी मनी बिल। तो 21वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी मनी बिल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22, मनी बिल इज इंट्रोड्यूस्ड इन, धन विधेयक कब पेश किया जाता है या कहाँ पे पेश होता है सबसे पहले? आपके ऑप्शन है ए लोकसभा, बी राज्यसभा, सी ज्वाइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेस, डी नन ऑफ द अबव। तो 22वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए लोकसभा। क्वेश्चन नंबर 23, व्हेन अ बिल इज रेफर्ड टू अ ज्वाइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट इट हैज टू बी पास्ड बाय। जब किसी विधेयक को संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक में भेजा जाता है तो उसे पारित करना पड़ता है। आपके ऑप्शन से ए अ सिंपल मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, बी 3/4 मेजोरिटी ऑफ मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, सी 2/3 मेजोरिटी ऑफ द हाउसेस, डी एब्सोल्यूट मेजोरिटी ऑफ द हाउसेस। तो ज्वाइंट सिटिंग में कैसे बिल पास होता है ये आपको बताना है। तो 23वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए अ सिंपल मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24, हु अमंग द फॉलोइंग प्रिसाइड्स ओवर अ ज्वाइंट सिटिंग ऑफ टू हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट।
निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है? आपके ऑप्शन हैं ए प्रेसिडेंट, बी प्राइम मिनिस्टर, सी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, डी स्पीकर ऑफ द लोकसभा। तो 24वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी स्पीकर ऑफ द लोकसभा। क्वेश्चन नंबर 25, हु प्रेसाइड ओवर द ज्वाइंट सेशन ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट? संसद के दोनों सदनों के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? आपके ऑप्शन हैं ए स्पीकर, बी वाइस प्रेसिडेंट, सी प्रेसिडेंट, डी प्राइम मिनिस्टर। तो 25वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए स्पीकर। तो आज की हमने सेट ऑफ 25 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है। अगर आप सभी को ये सीरीज अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए कर्मवीर ICS को, और अपने फीडबैक भी जरूर शेयर कीजिए कमेंट सेक्शन में, जिससे हम और भी बेहतर और क्वालिटी लेक्चर्स आप सभी के लिए ला पाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।